नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। ग्रीटिंग्स फ्रॉम मेट टॉक्स। टुडे वी आर गोइंग टू हैव ए स्पेशल पर्सन विद अस, नेहा रस्तोगी। शी इज़ ए फाउंडर ऑफ अगत्सा सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेक इन इंडिया एंड क्योर इन इंडिया। वी शुड नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट ऑल्सो मेक श्योर दैट एनीथिंग कैन बी क्योर्ड इन इंडिया, and that too the way, and that is affordable healthcare. Neha and her husband has brought out a affordable ECG machine which can run on an app, requires no leads, may require no jelly, can be done by anybody, by a nurse, by a technician, by a paramedic, by a doctor, and why a doctor, even by the public themselves. We know there is an ongoing epidemic of atrial fibrillation. This may come out to be the best screening module for screening atrial fibrillation in the society. Lots of such devices are available in the country. In China, if you go to any website, but not with 12 lead. Let's talk to Neha. Neha, aapke man mein kab aaya ki aap aisa kuch karenge? Ji sir, main aur mere husband dono engineers hain. और हम लोग अपनी नौकरी लव मैरिज थी आपकी या सर लव मैरिज थी हम दोनों बैचमेट्स थे इंजीनियरिंग में और उसके बाद दो साल के बाद हमने शादी कर ली तो हम लोग दोनों अपने अपने रेस्पेक्टिव जॉब्स में थे बहुत खुश थे तभी मेरे हस्बैंड के फादर मेरे फादर इन लॉ जो कि 51 इयर्स ओल्ड थे एंड ही वॉज वर्किंग वो ट्रैवल करते थे वो लखनऊ में रहते थे हम लोग दिल्ली में रहते थे तो वो ट्रैवल करते थे अपने जॉब के सिलसिले में तो उनको पता चला उनके हार्ट में एंजाइना पेन स्टार्ट हो गया एंड हमको लगा कि नॉर्मल गैस्ट्रिक पेन होगा या थकान की वजह से होगा तो हमने काफ़ी इंसिस्ट करके उनको मेडिकल चेकअप के लिए हम लेके गए तो पता चला उनके 3 ब्लॉकेजेस हैं और वो हार्ट अटैक पे ही वॉज सिटिंग सो थैंकफुली वॉज पुट ऑन मेडिकेशन एंड एवरी थिंग वॉज फाइन बट बिकॉज वो लखनऊ में रहते थे हमको हमेशा ये डर रहता था कि कहीं कुछ अचानक से हुआ तो हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हाई बीपी वालों के लिए बीपी मॉनिटर्स हैं टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर घर में होता है बट हार्ट के लिए कुछ भी नहीं है और रात को 3 बजे उनको दर्द होता था तो हम उनको बोलते थे कि जाके डॉक्टर के दिखाइए और पहला टेस्ट डॉक्टर ECG का ही करते हैं कुछ भी हार्ट के रिलेटेड निकालने के लिए जो कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता था जाना और फिर ECG लेना फिर रिपोर्ट पेपर की मिलती थी उसको डॉक्टर से रिव्यू करवाना फिर जाके पता चलता था एवरीथिंग वाज नॉर्मल तो हम लोगों को ये लगा कि कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो कि घर में ही यूज़ हो जाए कोई भी यूज़ कर ले और तुरंत उसको डॉक्टर को या किसी को भी शेयर किया जा सके ताकि ये पता चल जाए कि सब कुछ नॉर्मल है इस सोच के साथ हमने ऐसी प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया हमने रिसर्च करी ECG के बारे में पढ़ा ECG नॉन इन्वेसिव टेस्ट है काफ़ी बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है वोल्टेज मेजर करता है और हम इंजीनियर से तो हम काफ़ी कुछ उससे रिलेट कर पाए तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इसको स्मार्टफोन से कनेक्ट करके देखते हैं और इसी सोच के चलते हमने पहला प्रोटोटाइप बनाया जो कि एक मैच बॉक्स में हमने उसको असेंबल किया उस सर्किट को और उसको हमने बिल्कुल ही 5-6 हज़ार के एंड्रॉयड फ़ोन पे चला के देखा और हमें जब फर्स्ट टाइम ECG मिली जो कि सिंगल ही ECG थी तो हमें बड़ी खुशी हुई फिर हमने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे उसको शोकेस किया डॉक्टर्स को दिखाया तो हमें लोगों ने सजेस्ट किया कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और आपको स्टार्टअप बना लेनी चाहिए तो इस तरीके से हमने अगत्सा की शुरुआत करी हमने अपना जॉब छोड़ के फिर इस पे इसको 6 लीड बनाया और फिर कम्प्लीटली एक साइड सेंसर डाल के इसको 12 लीड में कन्वर्ट किया दिखाइए पूरे डिवाइस को सो बेसिकली 3 इसके अंदर में लीड की पोजीशन है की चेन साइज का डिवाइस है जो कि कहीं पे भी कैरी कोई भी कर सकता है इसमें 2 सेंसर्स फ्रंट में है एक साइड में सेंसर है फ्रंट सेंसर्स थंब से चलता है जिसमें सिंगल लीड ECG रिदम के लिए AF के लिए यूज होता है और साइड सेंसर को अगर हम डिफरेंट चेस्ट लीड्स पोजीशन पे टच करें
तो एक कंप्लीट ईसीजी रिपोर्ट बनता है आपके फोन में, जो कि एक पीडीएफ के फॉर्मेट में होता है और किसी को भी शेयर किया जा सकता है वाया योर मोबाइल फोन। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अभी तक जितनी ईसीजी मशीन्स हैं वो पेपर रिपोर्ट देती हैं, जो कि अगर मिस हो गई तो वो पूरा डेटा नष्ट हो जाता है। लेकिन हमने इसको क्लाउड से कनेक्ट किया जिसमें सारी रिपोर्ट्स आपकी सिक्योर्ड रहती हैं और किसी भी टाइम पे डॉक्टर या पेशेंट खुद अपनी रिपोर्ट, कितनी भी पुरानी रिपोर्ट, वहाँ से फेच करके देख सकते हैं और पास्ट ईसीजी से कंपेयर कर सकते हैं। कितना समय लगाया आपने इसको? सर, हमें इसके R&D में करीब 1 से 1.5 साल लगा पहला वर्जन निकालने में, लेकिन हमने इसकी शुरुआत 2013 में करी थी। अब ये इसका तीसरा वर्जन मार्केट में है और 2018 चल रहा है, तो अराउंड 4 से 5 साल लग गए इस वर्जन तक। क्या क्या अवार्ड्स मिले आपको लोगों को? सर, हमको सबसे पहला जो बहुत कोवेटेड अवार्ड मिला था वो डॉक्टर मशेलकर के द्वारा दिया गया था, अंजनी मशेलकर अवार्ड, जो कि वो साल में एक बार एक ऐसे इनोवेटर को देते हैं जो कि बहुत फ्रूगल इनोवेशन करते हैं और जो कि बहुत इंक्लूसिव होता है, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है अफोर्डेबिलिटी के टर्म्स में। तो हमको ये 2015 में मिला था। उसके बाद हमें काफ़ी अवार्ड्स मिले, हमको IAGP में जाने का मौका मिला, जो कि फिक्की द्वारा और टाटा ट्रस्ट के द्वारा वो होता है। उसके अलावा हमें मिलेनियम अलायंस भी मिला है जिसमें हमें ग्रांट मिला है इसको गांव में ले जाने के लिए। हमें फ्रॉस्ट एंड सिलिवन अवार्ड मिला है, हमको अपोलो हॉस्पिटल द्वारा अवार्ड दिया गया था बेस्ट राइजिंग स्टार, उन्होंने हमारी डिवाइस को काफ़ी पसंद किया। तो ये कुछ मेजर अवार्ड्स हैं। उसके अलावा स्टार्टअप के काफ़ी अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं सर। थैंक यू, एंड ऐसे ही अवार्ड्स आपको मिलते रहें, और आप भी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो जागिए, भारत में इन जैसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे बनिए जो हमारे सामने हैं नेहा जी, क्योंकि अगर हम भारत के अंदर में स्टार्टअप्स के साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आएं जो पूरे दुनिया में धूम मचा सके, दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव। आई शुड चाइना लीड द वर्ल्ड इन टेक्नोलॉजी, एंड सो कंग्रेचुलेशंस नेहा जी, एंड वी गिव यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस इन योर प्रोजेक्ट। थैंक यू। थैंक यू।